हाथरस में जिस तरह की जो जिस तरह की घटना हुई, ये एक बहुत ही ये इस पे बयान होना चाहिए, इस पे कार्रवाई, जो भी इसमें संलिप्त है उन पे कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये गलत हुआ इस तरह की, कोई भी बाबा अगर जो है जहाँ पे उनके पास जितनी की जो एक लिमिट मिलता है, जितनी का आपको जो है वहाँ सम्मेलन करके उससे ज़्यादा जनसंख्या में बढ़ाकर वहाँ पे अगर बुलाते हो, इस तरह की सम्मेलन करते हो, तो आप गलत करते हो, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैं अगर हिंदू होकर भी कहता हूँ उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्या जय फिलिस्तीन का नारा लगा, क्या उस पर कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जय फिलिस्तीन का नारा लगा चाहिए, जो गलत है वो गलत है, वो तो उसकी जो एक बार बोल दो सामने में ऑन कैमरा, जो उसके संसद जो संसद का सदस्यता है वो रद्द कर दिया जाए नरेंद्र मोदी से। अरे तो एक बात बताओ मुझे, ये मोदी जी कहते क्यों नहीं हो? गलत तो बयान तो गलत है ना, मैं कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ, जो एक मिनट बाबा ने जो किया, अरे बाबा ने जो किया वो समझ जा जरा, और मैं पंजाब को प्रधानमंत्री बनाने चला बाबा जो, और मोदी तो 2024 में तो सन्यास ले, तो अच्छा है, क्या करा मोदी, कुछ नहीं करा, किसान आंदोलन कराया, गरीबों को लॉकडाउन लगाया, नोटबंदी बंद कर दिया, सिर्फ एक टिकट के लाल किले में 30 रुपए का टिकट होना चाहिए, दुनिया बाहर से आती है, बिहार बंगाल से आती है, कहा मोदी तो नाम से बिल्कुल बेकार। अच्छा, है सुनो, हाँ। क्या मैं खुल के कहता हूँ या नहीं, हाँ। जो बाबा ने जिस तरह का कुकृत किया वो गलत है, क्या एक बार तुम लोग भी कह, बाबा ने किया है, बाबा ने किया है, बिल्कुल है बाबा, बाबा बिल्कुल बाबा, बाबा जो वहाँ पे बाबा जो बाबा ने वहाँ सम्मेलन किया था, उनके पास जो जिस तरह की जो उनके पास लिमिट दिया गया था, जो इतने ही व्यक्ति को बुला सकते हैं, उसके बाद भी उससे ज्यादा लोगों को वहां बुलाया गया, और उसके बाद उनका भक्त जाते हैं, बुलाया थोड़ा ना, जो अगर भक्त जाते हैं तो वहां पे उस तरह की व्यवस्था नहीं था ना आपके पास, आपको रोकना चाहिए था, वो गलत था। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है जो वहां पे सम्मेलन किया, जिस तरह की जो आयोजन करता है वो जिम्मेदार है, बाबा जिम्मेदार है कि सरकार जिम्मेदार है व्यवस्थाओं को लेकर? दोनों है, मैं खुल के कहता हूँ दोनों है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, वो प्रशासन भी जिम्मेदार है, प्रशासन को भी वहाँ पे देख रेख करना चाहिए, और जो आयोजक है वो भी जिम्मेदार है, खुल के मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, क्या कहेंगे हाथरस वाले मुद्दे पे? ये तो बहुत दुखद भरी घटना हुआ है, ठीक है, और पहली बात तो है आपका जो परमिशन दिया है, 80,000 आदमी का परमिशन लिया है, ठीक है, और 2.5 लाख आदमी हुआ पहुंचा है, प्रशासन के भी बहुत बड़ी गलती है इसमें, जिसने इसको परमिशन दिया उनकी भी, सरकार की भी गलती है, बाबा का 80,000 वो मान लिया परमिशन लिए, भाई आस्था का विषय रहा है, लोग बढ़ते गए तो बताओ क्या करें, सिक्योरिटी देना चाहिए था ना, सिक्योरिटी तो वो तो कह रहे हैं कि जब प्रोग्राम खत्म हुआ तब ये सब। और ये बात सुनिए, ये अगर कोई गरीब का होता ना, बाबा का बुलडोजर भी चल जाता इतने देर में, अभी बाबा जी का जो है ना बुलडोजर में तेल खत्म हो गया, बाबा तो वहाँ से निकल गए थे भाई, प्रवचन वाले बाबा तो वहाँ चले, क्यों नहीं पकड़ा, अभी क्यों नहीं पकड़ा गया, भगदड़ मची तब क्या करें बाबा? अच्छा बाबा भाग गया? नहीं भाग नहीं गया, मान लिया बाबा जा रहे हैं, प्रवचन खत्म हुआ तब क्या करें? हो गया, बाबा को पकड़ना चाहिए था ना, जो ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा को पहले तो पुलिस में था, पहले बाबा पुलिस में थे, अब बाबा बन गया, और 180 आदमी को मरवा, बाबा ढोंगी, बाबा ढोंगी होते हैं जो इतना सब, देखिए बाबा ढोंगी नहीं होते हैं, जो उनसे कुछ गलती हुई है उस चीज को स्वीकार करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं जो व्यक्तिगत आरोप लगा, जो जो बाबा ढोंगी होते हैं, ये वही बयानबाजी है जो बालक बुद्धि वाले, जो राहुल गांधी ने जिस तरह के बयान दिया उसी तरह की जो है बालक बुद्धि वाली बयान दे रहे, बाबा ढोंगी नहीं होते, उनके द्वारा जो किसी तरह की जो जिस तरह की जो कुव्यवस्था था उस पर आरोप लगाना चाहिए, जो उस तरह की कुव्यवस्था नहीं होना चाहिए। कुव्यवस्था था वो तो कह रहे हैं कि भाई बाबा के जाने के बाद ऐसा हुआ है, बाबा जब तक थे तब तक सामान्य था। देखो मैं एकदम स्पष्ट बात करना चाहूँ, जो घटना हुई, घटना के बाद, घटना जब हो रही थी तो बाबा वहाँ से भाग गए, उनका जिम्मेदारी होता होना चाहिए था, जो उनको रुकना चाहिए था, उसके बाद उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, और आज तक वो भी सामने नहीं आए, ये गलत है, उनको सामने आना चाहिए था। जो चार आदमी जिसका वोट में नाम भी लिखा हुआ था ना, चार आदमी ने जो परमिशन लिया था वो भी भागा हुआ है, और ये बाबा भी भागा हुआ है, ठीक है। मेरा कहने का ये है, अगर कोई ये काम अगर कोई गरीब होता ना, गरीब करते हैं तो बाबा जी का बुलडेजर भी चल जाता, उसकी घर मकान भी तोड़ देता, ये जो है पैसे वाले लोग है, इसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। जो एकदम जो कहना चाहिए एकदम स्पष्ट कहना चाहिए, मैं खुले तौर पे कहता हूँ बाबा को जिम्मेदारी लेना चाहिए था, अभी चाहे कहीं जहाँ कहीं भी हो आपको सामने आना चाहिए, जो इस तरह के उस पर कोई बयानबाजी आपको बयान देना चाहिए, अगर आप इस तरह की नहीं करते हो तो आप कहीं ना कहीं आप गुनाहगार हो, गुनाह के पीछे तुम छुप रहे हो, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो लेकिन इस तरह की तर्क के साथ
साथ बात करो दोस्त, कुतर्क के साथ बात मत करो, ठीक है। मैं हर किसी से कहना चाहूँगा, वो भी उनका भी पक्ष रखा जा रहा है, उनके वकील कह रहे हैं कि बाबा अगर भाई प्रवचन के हैं, कहने गए, उनके चाहने वाले हैं, उनको मान सम्मान देने वाले, उनके भक्त अनुयायी जो भी कहे वो हैं, आए लोग, अब मान लिया जो परमिशन था उससे ज़्यादा आए, लेकिन जब बाबा जाने लगे और भगदड़ मच गई उसमें, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि साजिश रची गई है इसके बीच में, ये भी तो हो सकता है, तो फिर कैसे हम एक तरफा आरोप, ये जाँच की विषय है, जो अगर साजिश भी रची गई, जिसके द्वारा भी साजिश किया गया, वो सामने जब जाँच, उस पर मैं बयानबाजी अभी नहीं कर सकता हूँ, जो उसके बाद साजिश, अगर साजिश आएगी तो जाँच की विषय है, जब वो साजिश सामने आ जाएगी या किसी ना किसी के। हम आपसे करना चाहते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों बचाव कर रहे हैं बाबा का, आखिर रीजन क्या, क्या वजह हो सकता है? नहीं करना चाहिए, मैं खुले तौर पे कहूँ, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसको बाबा को बचाव नहीं करना चाहिए। अगर आपके सामने, अगर बाबा के पास कोई भी अगर ये सूचना है जो बाबा कहाँ पे है, बाबा को सामने लाना चाहिए, बाबा को बयान देना चाहिए, इस तरह की जो नहीं होना चाहिए, जो भी बयान आपको सामने आना चाहिए, ये सबसे बड़ा गुनाह है जो अभी तक आप सामने नहीं आ रहे। क्या नाम? नाम वाम छोड़ो, ये कोई मुद्दे के सवाल नहीं है, ये हाथरस का कोई मुद्दा नहीं बनाया जाए, राजनीति मुद्दा ना बनाओ इसे तो अच्छा है। राजनीति मुद्दा बनाओगे, उलझन में पड़ोगे, पार्टी वाले भी और पब्लिक भी, वो मुद्दा बनाने का लायक भी नहीं है। और जो आप इतने ये डिबेट कर रहे हो यहाँ पे कि वहाँ भगदौड़ मची, इतने लोग कैसे मरे, ये लोग अंधभक्त होते हैं, एक बाबा को भगवान का दर्जा दिया, जैसे एक बाबा कौन था, आसाराम बापू, उसको भी भगवान का रूप दिया था, मगर वो भगवान के रूप में शैतान ने सामने आया, ये दुनिया जानती है, भारतीय भी जानते हैं, हर आज ये जेल में है, ये भगदड़ क्यों मची है, बाबा के चरण छूने के चक्कर में, लोगों ने बाबा के, उसका प्रवचन खत्म हो गया, हर कोई एक देखता है कि मैं बाबा को चरण स्पर्श करूं, अब चरण स्पर्श करने में एक आदमी हो तो वो बात अलग है, अभी इतनी पब्लिक ज्यादा है, भगदड़ मच गई, कोई गिर गया, एक थोड़ा सा हादसा होता है तो उसका नतीजा बहुत बड़ा हो जाता है, और वही हुआ है हाथरस में जो कांड हुआ है मोदी जी से, वो बाबा को जल्दी से जल्दी पकड़े, और 121 मौत हुई हाथरस में, बस ये कहना चाहता हूँ। बाबा को दोस्ती मानते हैं? हाँ, बाबा को पक्का दोस्ती, बाबा के चक्कर में तो भीड़ आई है, बाबा तो अपनी गाड़ी लेके भाग गया और दबक गया, अगर बाबा को परेशान है तो बाबा को होती तो से मर गए तो वहाँ देखने आता, बाबा देखने आना चाहिए। बाबा जो है राम रहीम का चेला है, वो जो है बाबा अभी पता लगा है, बाबा पे तो सवाल खड़ा कर दिए, 80,000 का परमिशन था, 4,00,000 बंदे पहुंच गए, ये नहीं कहते कि गलती हम में भी, ठीक है, इतना ज्यादा आबादी में क्यों पहुंचे, वो तो आएगा, जनता तो आएगा ही, अगर 1,00,000 का है तो वो 4,00,000 आएगा, हर जगह आता है।